किसान अपनी फसल का भंडारण करके उसे अपनी सुविधा या ज़रूरत के अनुसार बाद में भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब फसल के दानों को लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें इसे नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से भी सुरक्षित रखना होगा। अनाज के अंदर की नमी और वातावरण की नमी दोनों की ही अधिकता अनाज को ख़राब कर सकती है, क्योंकि इससे कीड़े और फफूंद की वृद्धि आसानी से हो जाती है। नमी से अनाज गल या सड़ जाता है और अंकुरित भी हो जाता है, और ज़्यादा नमी होने के कारण अनाज के दाने आपस में जुड़ जाते हैं। अनाज पर पलने वाले कीट खेत में ही अनाज के दानों पर अंडा देना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद अंडों से कीड़े बनकर भंडारण में रखे गए अनाज को खाते रहते हैं, उन्हें खोखला कर देते हैं। ऐसा अनाज बोने या खाने लायक नहीं रहता। अनाज के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले बोरे या बर्तन से भी अनाज में संक्रमण हो सकता है। यदि भंडारण में उपयोग किए जा रहे बर्तन टूटे हो, उनमें दरारें पड़ी हो या फिर बोरे कटे फटे हो और अच्छी तरह सूखे नहीं हों, तो ऐसी स्थिति में उनमें भी कीड़े मकोड़े पनपते हैं और फिर वे भंडारण के दौरान अनाज को ख़राब कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि भंडारण के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे ज़रूरी है कि भंडारण से पहले हम अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद गर्म अनाज को तुरंत नहीं रखें, उसे रात भर ठंडा करने के बाद ही रखें। अनाज को जिस बर्तन या बोरियों में रखा जाना है उसकी भी अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। उसे साफ़ पानी से अच्छे से धोकर धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम बोरी का उपयोग कर रहे हो तो नई बोरियां ही लें, और अगर आप पहले से उपयोग में ली गई बोरियों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसकी अच्छे से सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अनाज रखने के पहले उस भंडारण के स्थान को भी अच्छे तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। इसके लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां नमी या सीलन ना हो। भंडारण की छत, दीवारों या फर्श पर कहीं दरारें ना हो, उसे सीमेंट से भर दें। खिड़कियाँ ऊँची हो तथा उस पर महीन जाली लगा दें। साथ ही चूहों का नियंत्रण भी जरूरी है। अनाज की बोरियां सीधे ज़मीन पर या दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से सूखी हुई लकड़ी या बांस के तख्तों पर थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए। भंडारण के दौरान कुछ पारंपरिक तरीकों का उपयोग कम खर्चीला और प्रभावशाली होता है, जैसे अनाज में नीम या अरंडी का तेल मिलाना, राख मिलाना या नीम या करंज के सूखे पत्तों को बोरी में अनाज के साथ मिलाकर रखना आदि। यह सभी पारंपरिक तरीके प्रभावशाली तो होते ही है, साथ में पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। आप सभी इन तरीकों को ज़रूर अपनाएं, अपने अनाज का अच्छे से रखरखाव करें और इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे मूल्य प्राप्त करें। अनाज का समुचित भंडारण करके हम इसे लंबे समय तक सुरक्षित तो रखते ही हैं, साथ ही बाजार के भाव में बढ़ोतरी होने पर हम इसे बेचकर अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं।